क्योंकि उनकी सोच खराब हो चुकी है, उन्हें उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता कि हमारा बहन भाई का आपस में क्या रिश्ता है, और जब ये चीज़ें कौन सिखाएगा। तो ये संत, ये चीज़ें, ये मर्यादा हमें शुरू से सिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम पे आपका स्वागत है। हम देखेंगे जनता की राय, जनता का सच, जनता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में क्या राय रखती है। तो मैम आपका शुभ नाम? प्रतिभा। मैम आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी मैं LLB कर रही हूँ। मैम आप कितने सालों से डेरे में जुड़े हैं? मतलब हमारा बेस देखें पीछे से, तो हमारे पेरेंट्स तो परम पिता जी के टाइम से जुड़े हुए हैं, यानी कि इन गुरुजी से पहले जो गुरुजी थे तब से जुड़े हुए हैं, और हम इनके टाइम से ही जुड़े हैं, यानी कि बाय बर्थ हमने, मतलब अगर भगवान देखा तो इसी रूप में देखा है। मैम आप इतने सालों से डेरे से जुड़े हैं, तो आप डेरे के माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप क्यों आते हैं डेरे? ऑब्वियसली हर इंसान एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहता है, पीस ऑफ माइंड चाहता है, वो मतलब आज के टाइम में हर इंसान उसी को ढूंढ रहा है, क्योंकि शांति किसी के भी पास नहीं है। दूसरी बात कि एक हर इंसान चाहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, तो वो आप कहाँ से सीखते हो? अपने एटमॉस्फेयर से सीखते हो। आप किसी चीज़ को देखकर या प्रैक्टिकली जाकर सीखने से नहीं सीखते, आपके एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें होती हैं आप उन्हीं को ऑब्जर्व करते हो, उन्हीं को फॉलो करते हो, और वहीं से आपका नेचर भी बनता है, आप एक इंसान अच्छे या बुरे भी बनते हो। तो ऑब्वियसली जब अगर आज हम अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, कि मतलब अगर चींटी भी एक पैर के नीचे आ रही है तो हमें तकलीफ होती है, किस चीज़ से होती है? तो बाय बर्थ, यानी कि हमने वो चीज़ें कहीं ना कहीं बेस में सीखी हैं, अपने ब्लड में हमारे वो कैसे आई हैं, हमारे माहौल से आई, और वो माहौल तो हमने डेरे में ही सीखा है शुरू से, क्योंकि गुरुजी ने ही हमें सिखाई हैं वो चीज़ें कि एक इंसान तभी इंसान है जब उसे दूसरे के दर्द से दर्द होता है, तो वो गुरुजी ने सिखाया है हमें। मैम जैसे कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा 4.5 साल हो गए हमारे बीच नहीं है, समाज के बीच नहीं है, तो इसका समाज पर क्या असर पड़ा है? इसका समाज पे देखो बुरा ही असर है, और बुरा भी बहुत बुरा असर है। जैसे हम देख रहे हैं आज कि अभी वॉर चल रहा है, जैसे यूक्रेन, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि माइंड में कुछ गलत चल रहा है लोगों के, और वो गलत क्यों चल रहा है? क्योंकि उन्हें सही चीज़ दिखाने वाला, बताने वाला कोई है ही नहीं। वॉर से पहले, बहुत साल पहले भी यही बात बोलते थे कि मिसाइलें बन रही हैं, ये क्यों बन रही हैं, ये धरती को खराब, मतलब क्या कहूँ, बर्बाद करने के लिए बनी है, और आज उनका यूज़ हो भी इसीलिए रहा है, एक ही इंसानियत ही नहीं है लोगों में। अगर है तो वो क्या चाहते हैं? इंसान को अपनी बेसिक ज़रूरतें क्या होती है? खाना पहनना, यही ज़रूरतें होती है उसकी, वो तो सब कुछ मिल रहा है सबको दुनिया में, लेकिन फिर भी इंसान को शांति नहीं है, लूट पाट क्यों लगा हुआ है वो? क्योंकि दिमाग में बेचैनी है। यही एक कलयुग की निशानी भी है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कलयुग आएगा, कलयुग यौवन में आएगा, मतलब आज उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तब हम सोचते थे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, किस बारे में ये बातें करते हैं, लेकिन आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं कि जो संत होते हैं, किसी भी टाइम के आप लगाओ, आज अगर हम इन संत की बात ना करके किसी और की भी करें, तो वो भी तो कलयुग के बारे में चर्चा करते थे ना, वो कलयुग आज ही तो देख रहे हैं हम, कि एक मतलब अगर आप बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल चीज़ भी देखो, तो आज एक हाथ को हाथ खा रहा है, एक बहन भाई जो एक ही कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनकी सोच खराब हो चुकी है, उन्हें उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता कि हमारा बहन भाई का आपस में क्या रिश्ता है, और जब ये चीज़ें कौन सिखाएगा। तो ये संत, ये चीज़ें, ये मर्यादा हमें शुरू से सिखाते हैं, जो जिससे हमारा समाज अच्छा बनता है। इसीलिए इंडिया सबसे अलग है, क्योंकि वो गुरुओं की धरती है, लेकिन वहाँ पे गुरुओं की कदर नहीं है, इसलिए वहाँ पे भी ये चीज़ें आ चुकी है। फॉरेन और अब इंडिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मर्यादा ख़त्म होती जा रही है, जो कि इंडिया में संस्कार मर्यादा के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में, वो चीज़ यहाँ नहीं है अब देखने के लिए। 80-90% तो ऑलमोस्ट ख़त्म है ही अब। मैम आपके जीवन में संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का क्या प्रभाव रहा है, डेरे का क्या प्रभाव रहा है? देखो एक बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, कहते हैं कि पेरेंट्स ही बनाने वाला होता है बच्चे को। यहाँ पे अगर अपनी लाइफ की बात करूँ या अपनी पूरी फैमिली की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, उनका पेरेंट्स से बढ़ के रोल है, क्योंकि ज़िंदगी का एक एक स्टेप हमने उनसे सीखा है प्रैक्टिकली। ये नहीं हम कह सकते कि अगर अपना काम करना है वो भी खुद से करो, किसी के ऊपर बोझ मत बनो, आप दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, मतलब अगर हम कहें कि हम अपनी जो लाइफ जी रहे हैं आज, हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर एक ऐसी सोच बना दी है
कि हमें गलत को देख के गलत लगता है, गलत को देख के हमें हम उसका अपोज करते हैं क्योंकि वो गलत है। जिन लोगों को गलत और सही में डिफरेंस ही नहीं पता, वो कैसे उसे गलत और सही ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो चीज़। वो चीज़ हमने गुरु जी से ही तो सीखी है बचपन से। अगर गलत होता, हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो क्यों आते डेरे में, क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते अगर वहाँ पर सब कुछ गलत ही हो रहा होता। आज तक हम खुले रहे, उन्होंने हमें सिखाया दबना नहीं चाहिए बेटा, गलत नहीं सहन करना चाहिए, तभी तो हम लोग ऐसे हैं आज। अब हम दुनिया में कहीं भी जाएं तो हमारा गलत कोई कैसे करेगा, जब तक हमें पता है, हमें उस चीज़ का डिफरेंस पता है कि ये गलत है, ये हमारी लिमिट से बाहर है चीज़। तो ये चीज़ हमें गुरुजी ने ही सिखाई है। और इवन अभी अगर हम सिर्फ अपने आसपास के माहौल की बात करें तो गुरुजी के जाने के बाद नशा, मतलब प्रोसिक्यूशन इतना बढ़ चुका है, मतलब हर घर में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अगर हम ये कहें कि वो लोग गलत हैं तो वही बात है ना कि एक छोटा सा बच्चा है ना, वो तो मिट्टी होता है, उसे आकार देना तो बड़ों का काम होता है ना। तो सेम वही चीज़ है, उन लोगों को शायद सही गलत नहीं पता लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं, या हमारी लाइफ में या हमारे बच्चों की लाइफ में आने वाले टाइम में इन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट होगा, वो शायद नहीं जानते इस चीज़ को। और वो चीज़ कि गुरुजी अवेयर करते थे ना इन चीज़ों से, वही तो हमें समझाते थे कि ये गलत है बेटा, ये सही नहीं है आपके लिए। तो लेकिन अब देखा जाए तो 4-4.5 साल हो चुके हैं उन्हें गए को, तो ये चीज़ें किसने सिखाई हैं? किसी ने। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हम उनकी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं तो हम लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन जो जाते ही नहीं है लोग, वो क्या रिकॉर्डिंग्स सुनेंगे, क्या देखेंगे? वो कुछ नहीं देखेंगे, उन्हें कौन समझाएगा ये चीज़ें, है ही नहीं। क्योंकि तो ये लोग कौन लोग ऐसा चाहते हैं? वही लोग ऐसा चाहते हैं ना जो नहीं चाहते कि ये चीज़ें सुधरें, जो लोग चाहते हैं कि लोग गंदगी में जाएं, जो लोग चाहते हैं कि नशा करें लोग और ख़त्म हो जाए, वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं ना। मैम आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? देखो मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि हर सरकार ये चाहेगी कि हमारा देश बहुत सुंदर बने, उसका नाम हो देश में, कुछ स्पेशलिटीज़ जो हैं वो रहें हमेशा। वो कैसे रहेंगी? वो अच्छे लोगों की वजह से रहेंगी, कि जिनको हर किसी को हर कोई सुन के फॉलो भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, गुरुजी को क्योंकि बचपन से बहुत बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो सच में गलत और सही में डिफरेंस समझते हैं, उन्हें लगता है कि हमें हर टाइम उनकी डोज की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर उनको दूर कर दिया गया है समाज से तो इसका बुरा ही असर होगा ना। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ गलत लगता है तो उसको रोको, लेकिन बिना देखे, बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज़ के, मतलब उस चीज़ को धक्के से गलत ठहराना कि नहीं वो गलत है, गलत। सरकार भी जानती है इस बात को, तो इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको वाकई हमारे समाज के, अपने इंडिया को बेस्ट बनाने के लिए ऐसे लोगों को आगे रखना चाहिए, बजाय कि इस तरीके से करने के। तो दोस्तों हम लगातार देख रहे हैं, जनता की अपील सुन रहे हैं, जनता सरकार से चाह रही है कि एक ऐसे सच्चे संत को समाज के अंदर भेजा जाना चाहिए जो लोगों को मोटिवेट करता है, जो लोगों को अच्छी राह पे बढ़ने की शिक्षा देता है। तो देखते रहिए, धन्यवाद दोस्तों द फैक्ट आई, थैंक यू।